एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि शक्कर खाने का बहुत ज्यादा आदत था। इस शक्कर खाने की आदत की वजह से उसकी माँ हमेशा परेशान रहती, उसको मना भी करती है, लेकिन वो उसकी माँ की बात नहीं सुनता था। उसे गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनकी बात वह बच्चा खूब मानता था और उनकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन उसे बच्चों की माँ ने उसे बच्चों को अपने साथ लेकर उसे बुजुर्ग के पास गई। वह बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसे बुजुर्ग जाकर अपने बच्चों की कारनामे बताने लगी कि भी यह शक्कर नहीं छोड़ता, इसे आप जरा कहिए कि यह शक्कर छोड़ दे। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि तुम एक हफ्ते के बाद आना। उस बच्चों की माँ को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वह वहां से चली गई। एक हफ्ता गुजर गया और फिर उस माँ ने अपने बच्चों को उन बुजुर्ग के पास लेकर आई। वह बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और जैसे ही उस बच्चों को उन्होंने देखा, सिर्फ इतना ही कहा कि बेटा अब से तुम शक्कर खाना छोड़ दो। वो बच्चा उनकी बात को मान लेता है, लेकिन उसकी माँ हैरान थी कि यह बात तो बुजुर्ग उस दिन भी तो कह सकते थे। मैं एक हफ्ते पहले जब मैं आई थी, उस बच्चों की माँ ने बुजुर्ग से पूछ लिया कि आप तो उस दिन भी कह सकते थे, यह बात आज ही क्यों कहा और इतना लंबा समय क्यों लिया? वो बुजुर्ग क्या कहते हैं जरा ध्यान से पढ़िएगा। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बेटी, मैं उस दिन खुद शक्कर खाता था, इसलिए मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। जब एक हफ्ते के बाद मैंने शक्कर खाना छोड़ दिया, तब मैंने इसको शक्कर खाने से मना किया है। दोस्तों, जो बदलाव हम संसार में लाना चाहते हैं, वही बदलाव पहले हमें खुद में लाना पड़ेगा। अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले हमें खुद बदलना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों ने ज्यादातर देखा होगा कि घर में जो बड़े लोग होते हैं वह अपने से उम्र में छोटे लोगों को या बच्चों को कहते हैं ये काम मत करो, लेकिन वह खुद करते हैं। तो सोचो उनके बात का बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। आप जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर देखते हैं, ये क्या ऐसे ही बन जाते हैं? नहीं, ये पहले अपने आप को बदलते हैं, तभी लोग इनकी बातों को मानते हैं और उनकी बातों पर अमल करते हैं। याद रखें, सबसे पहले अपने आप को बदलिए, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। जीवन में सबसे ज्यादा कौन सी चीज है? आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में सबसे अहम चीज कौन सी है, आज के समय में आप उसे कितना समय दे रहे हो। एक बार एक टीचर क्लास में कुछ सामान लेकर आया। टीचर ने टेबल पर एक बड़ा सा जार रखा और उस जार के अंदर कुछ बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। मैं उन बड़े बड़े टुकड़ों से भरा हुआ था, लेकिन उन पत्थरों के बीच में कुछ जगह बाकी रह गई। पत्थरों से भरा एक जार कक्षा के बच्चों की तरफ से देखकर बच्चों ने पूछा, क्या इस पूरे अच्छे तरीके से भुगतान किया गया है? सारे बच्चों ने हां में जवाब दिया। फिर टीचर ने छोटी छोटी कंकरियों का एक डब्बा उठाया और उन छोटी छोटी कंकरियों को उस जार में डाल दिया और उस जार को प्रभाव सा डाला। जो जार में बड़े पत्थरों के बीच गैप था, वो उन छोटी छोटी कंकरियों की वजह से भर गया था। फिर टीचर ने बच्चों से पूछा, क्या अब अच्छे तरीकों से भुगतान किया गया है? सारे बच्चों ने फिर से हां में जवाब दिया। जैसे बच्चों ने हां में जवाब दिया, वैसे ही स्टार्स ने अपने बैग में से एक रेती का डब्बा निकाला और उसे रेत में डाल दिया। उस जार में जो छोटा छोटा गैप था, उसने उस रेत की वजह से अच्छे तरीके से भर दिया। फिर वो टीचर ने बच्चों से एक बार फिर पूछा, क्या ये जार अब अच्छे तरीके से चुकाया गया है? बच्चों ने फिर सर हिलाते हुए कहा, हां मैं ही उत्तर दिया। अब टीचर ने बच्चों की तरफ देखा, बच्चों से कहा, मान लो ये तुम्हारी जिंदगी है, इसमें जो मैंने बड़े बड़े पत्थर लगाए, ये तुम्हारी जिंदगी की कीमती चीजें हैं, जैसे आपका परिवार, आपका महानगर, आपका स्वास्थ्य और आपका बच्चा। ये ऐसी चीजें हैं कि अगर जिंदगी में बाकी सबने कुछ भी खोया और बस यही चीज बचाई, तो फिर आपकी जिंदगी भरी रहेगी। और कंकरियां जो है, वह जिंदगी आपकी दूसरी फिल्म है जो आपकी जिंदगी में कीमती है, जैसे कि आपकी नौकरी, आपका काम, आपका व्यवसाय, आपका घर और आपकी कार। और जो हैं आपकी वो जिंदगी की वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में ना भी रहे तो भी आपकी जिंदगी की वो छोटी छोटी चीजें हैं। तो इस कहानी से आपको यह कहना चाह रहे हैं, अगर आप जिंदगी के दिनों में रेत को पहले डालेंगे
तो पत्थर और क्रांतिकारी के लिए जार में कोई जगह नहीं बचेगी। यह चीज आपके जीवन में भी लागू होती है। अगर आप सारी ऊर्जा और सारा समय छोटे छोटे भोजन पर खर्च करते हैं, और छोटे छोटे वयस्कों से मेरा मतलब है कि क्रॉस स्कोप, फ्रोजन की मैप्स, रखे गए बोल ये दिया, ऐसे फालतू के अंडे पर अपना टूट करोगे, तो आपके पास इन वयस्कों के लिए कभी भी जगह नहीं बचेंगे।